हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएससी क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन का जो कि टाइम टेबल है उसको लेकर डिस्कस करने वाले तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फर्स्ट ऑफ मार्च 2021 को बोर्ड एग्जामिनेशन का जो कि टाइम टेबल है सी के ऑफिशियल साइट पे बेसिकली uh, रिलीज हुआ था फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स तो हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था फॉर आई क्लास 10 जो कि टाइम टेबल है उसको लेकर हमने डिस्कस किया था न काफ़ी सारे आई क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स उस वीडियो में मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे रिगार्डिंग आई क्लास ट्वेल्व बेसिकली टाइम टेबल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आई एस सी क्लास ट्वेल्व का टाइम टेबल को लेकर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में कितना गैप्स होगा क्या टाइमिंग रहता है क्या रूल्स रहता है सब कुछ को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में सो so, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आई क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स के साथ सो लेटेस्ट बिगिन तो फर्स्टली आप यहाँ पर पीडीएफ में देख सकते हो फर्स्टली दोनों क्लास टेन में भी और क्लास ट्वेल्व का भी जो टाइम टेबल था आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है तो इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें सारा डिटेल्स डूज एंड डोंट्स क्या क्या चीज है रीचेकिंग को लेकर सब कुछ को लेकर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल लेकिन अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देन वीडियो इज गोइंग टू बी तो टू लेंथी, तो इस वीडियो में हम सिर्फ टाइम टेबल को देखेंगे सो दिस इज द टाइम टेबल फॉर योर आई क्लास ट्वेल्व बोर्ड एग्जामिनेशनस तो यहाँ पर फर्स्टली फिफ्थ ऑफ मे से स्टार्ट है मैंने उस वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म किया था एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग रिगार्डिंग द टाइम टेबल कि फिफ्थ ऑफ मे से टाइम टेबल यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट है फॉर क्लास टेन एज वेल एज फॉर आई एस सी क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स वेल सो सबसे पहले आपको टाइमिंग पता होगा कि थ्योरी पेपर है थ्योरी पेपर इज ऑफ थ्री आवर्स अगर हम बात करें क्लास टेन का सो क्लास टेन में आपको टू आवर्स मिलता है लेकिन यहाँ पर फोर योर क्लास ट्वेल्व दैट इज आई एस सी आपको थ्री आवर्स मिलेगा तो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो टाइम ड्यूरेशन सारे पेपर्स के लिए थ्री आवर्स होता है ऑलमोस्ट थ्री आवर्स मिलता है तो एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन योर एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम थ्योरी पेपर स्टार्ट फ्राम टू पी एम इन द आफ्टरनून सो टू पी एम से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है अगर हम बात करें क्लास टेन का सो इट्स डिफरेंट

आपको ओवरऑल आफ्टर इंग्लिश यू हैव योर मैथ्स पेपर बिगिनिंग सो मैथ्स है इलेवेंथ को एंड इंग्लिश है सिक्स ऑफ मे को यानी कि आपको मैथ्स के लिए फोर डेज का गैप मिल रहा है सो फोर डेज गैप यू आर गेटिंग फॉर योर मैथमेटिक्स तो मैथ्स को आपको अच्छे तरीके से पहले से प्रिपरेशन करना है बिकॉज मैथ्स इज रियली टफ एंड इफ यू डोंट डू इट प्रॉपरली फ्रॉम द बिगिनिंग तो मैथ्स में पास होना भी बहुत डिफिकल्ट है अगर आप अच्छे तरीके से पहले कुछ भी प्रिपरेशन आपने नहीं किया है और अगर सिर्फ गैप्स के ऊपर डिपेंडेंट हो सो नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू सो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली फॉर योर मैथमेटिक्स मैथ्स जो है जितना भी सम्स एंड ऑल है सारा सम सारा चैप्टर्स को कवर करो इजी ईजीजी चैप्टर्स को एटलीस्ट ताकि आपको एग्जामिनेशन के टाइम प्रॉब्लम ना हो तो जितना भी मेजर मेजर पोर्शन है मैथ्स में सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करो एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिविज़न करना है ये फोर डेज का गैप आपको हेल्प करेगा रिविजन में बट बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग then इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट तो मैथ्स है यहाँ पर मैथ्स के लिए चार दिन के अगर आप टेन डेज भी मिले सो इट्स नॉट

आपको गैप मिलेगा उसके बाद नेक्स्ट डे क्या है थर्टीनथ है थर्टीन्थ को आपका वन डे गैप यू गेटिंग फॉर योर इंग्लिश तो वन डे का गैप है तो इंग्लिश को भी अच्छे तरीके से करना है इंग्लिश लिटरेचर इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस प्लस उसके साथ साथ कुछ वीडियोस है जिसमें कि मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आपको कवर करना है इन योर इंग्लिश पेपर टू तो इंग्लिश पेपर टू में इस बार आपको फर्दर रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करना है एंड उसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स है जिसका कि हाई चांसेस है कि वो चैप्टर्स में से आपको एक्स्ट्रैक्ट दिया जा सकता है इंग्लिश पेपर में फॉर योर लिटरेचर तो वो वीडियोज़ आप जरूर देख लेना मैं ट्राई करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करना सो यू हैव योर इंग्लिश लिटरेचर दैट इज योर इंग्लिश पेपर टू ऑन थर्टींथ थर्टींथ ऑफ मे उसके बाद नेक्स्ट पेपर इज फॉर योर होम साइंस तो होम साइंस uh, जिन स्टूडेंट्स का होम साइंस है यू कैन डू इट ऑब्वियसली आपका मैथ्स नहीं होगा अगर होम साइंस होगा तो सो तो फिफ्टींथ को है इट्स ऑन फिफ्टींथ मे देन साइंस स्टूडेंट्स का अगर हम बात करें तो साइंस स्टूडेंट्स का नाउ थ्योरी पेपर फिजिक्स का है ना फिजिक्स अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफ सब्जेक्ट एज कंपेयर टू योर केमिस्ट्री बायो और योर कंप्यूटर साइंस तो फिजिक्स का पेपर कब है फिजिक्स इज ऑन सेवनटींथ ऑफ मे तो फिजिक्स में आपको अराउंड थ्री डेज का गैप मिल रहा है थ्री डेज गैप विच इज नॉट इनफ राइट क्योंकि फिजिक्स में भी अगेन सिलेबस इज अनलिमिटेड कितना सारा चीज है डेरिवेशन है प्लस उसके साथ साथ कितना सारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ थ्योरी क्वेश्चन सो so, बहुत सारे क्वेश्चन होने वाला है फिजिक्स में फिजिक्स का पेपर जनरली टफ uh, हो या फिर इजी हो लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा चैप्टर्स है एक एक चैप्टर में इतना सारा पोर्शन है कवर करना इट्स जस्ट लाइक योर मैथमेटिक्स तो फिजिक्स में भी आपको ध्यान देना है अभी से थ्री डेज का गैप है पर पहले से अच्छे तरीके से पढ़ के रखो एटलीस्ट उन उन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करना है जिसका हाई वेटेज है जिसमें से कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो सब चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर करना कुछ भी मत छोड़ना फिजिक्स में सो so फिजिक्स है सेवनटीन ऑफ मे को यू आर गेटिंग हाउ मेनी डेज यू आर गेटिंग थ्री डेज गैप फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पेपर इज योर बेसिकली फॉर साइंस स्टूडेंट नेक्स्ट पेपर है ट्वेंटी फर्स्ट को सो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे यू हैव योर केमिस्ट्री पेपर तो केमिस्ट्री के लिए आपको कितना डेज मिल रहा है अगेन यू आर गेटिंग थ्री डेज गैप फिजिक्स का पेपर कब है सेवेंटींथ एंड ट्वेंटी फर्स्ट को आपका केमिस्ट्री का पेपर सो यू आर गेटिंग थ्री डेज गैप इन बिटवीन तो केमिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है थ्री डेज यू आर गेटिंग फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी सो आफ्टर फिजिक्स नेक्स्ट पेपर है अकाउंट्स का तो वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली uh, नहीं है तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अकाउंट्स है अकाउंट्स का पेपर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मे को है तो जिन स्टूडेंट्स का कॉमर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स तो अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग तो आपको जो कि टाइम है थ्री आवर्स भी कम पड़ जाता है तो अच्छे तरीके से आपको करना है जितना भी सम्स एंड ऑल आपको उसमें मिलता है कैलकुलेशन बेस्ड भी रहता है आई डोंट हैव मच आइडिया लेकिन मुझे इतना पता है कि टाइम जनरली स्टूडेंट्स को टाइम कम मिलता है तो so, अकाउंट्स का पेपर इज ऑन ट्वेंटी फोर अकाउंट्स के बाद यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक योर हिस्ट्री कॉमर्स जोग्राफी तो ये सारा सब्जेक्ट्स बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ बैच के लिए हिस्ट्री हो गया जोग्राफी हो गया तो ये सब को लेकर हमने डिस्कस किया आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस पेपर्स लेकिन पर्टिकुलरली आई एम फोकसिंग फॉर साइंस स्टूडेंट्स तो साइंस स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया बायो इज लेफ्ट प्लस जिन स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस है सो हेयर कंप्यूटर साइंस का पेपर यहाँ पर आपको दिखेगा थ्योरी पेपर कंप्यूटर साइंस का सो इट्स ऑन थर्ड ऑफ जून तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस के लिए यू आर गेटिंग अराउंड इट्स ऑन थर्ड राइट सो यू आर गेटिंग अराउंड ट्वेल्व डेज फॉर योर प्रिपरेशंस सो आपको कितना डेज मिल रहा है ट्वेल्व डेज का गैप विच इज़ क्वाइट ह्यूज, सो बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा गैप से कंप्यूटर साइंस के लिए तो कंप्यूटर साइंस इज नॉट दैट टो फिज़िक्स एंड मैथ्स के लिए अगर इतना डेज मिलता तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाते बट एनी वेज इट्स नॉट इन योर हैंड्स ट्वेल्व डेज का गैप्स इट इज़ एक्चुअली नॉट सो मच रिक्वायर्ड लेकिन अगर मैथ्स होता है तो डेफिनेटली यू वुड बी नीडिंग दैट तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस का पेपर है दिस इज़ ऑन थर्ड ऑफ जून तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो रहा है जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स का जिन स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस है एज़ अ सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन यहाँ पर खत्म हो रहा है थर्ड ऑफ जून को थर्ड जून को कंप्लीट हो रहा है सारे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का नाउ बायो स्टूडेंट्स है जिन स्टूडेंट्स का बायो है उनका लास्ट एग्जाम कब है उनको और भी ज़्यादा डेज का गैप मिल रहा है एंड यू हैव योर लास्ट पेपर ऑन सो हेयर इज योर बायो पेपर थ्योरी पेपर सेवेंथ ऑफ जून को तो बायो में अराउंड आपको कितना डेज का गैप मिल रहा है फिफ्टीन टू सिक्सटीन डेज का गैप मिल रहा है यू आर गेटिंग अराउंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन डेज गैप फॉर योर बायो तो बायो में काफी काफ़ी सारा दिन है जो कि आपको मिलने वाला है गैप्स है तो अगर एग्जामिनेशन पहले ही हो जाता बायो का तो ऑफकोर्स आपका एग्जाम्स खत्म हो जाता लेकिन आपको एक पेपर के लिए एक एग्जाम देने के लिए लास्ट वाला फिफ्टीन टू सिक्सटीन डेज आपको वेट करना पड़ेगा पर्टिकुलरली फॉर योर बायो तो यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का कब खत्म हो रहा है थर्ड ऑफ जून एंड जो कि साइंस स्टूडेंट है बायो साइंस स्टूडेंट्स उनका जून सेवेंथ जून को खत्म हो रहा है लेकिन उसके बाद कुछ पेपर्स है डिपेंड्स ऑन दिस सब्जेक्ट अगर आप दूसरे स्ट्रीम से हो तो आपका एग्जामिनेशन और ज़्यादा दिन चलेगा सो so, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड ऑल बाकी रहेगा सो कॉमर्स स्टूडेंट्स का एग्जाम्स थोड़ा और दिन चलेगा तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स है उसके बाद पोल साइंस यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज का भी लेट से चलेगा तो सबसे पहले साइंस स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है हमने पूरा टाइम टेबल को लेकर डिस्कस किया प्लस उसके साथ साथ आप स्टार्टिंग में यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फिफ्थ ऑफ मे से तो थ्योरी पेपर स्टार्ट है बी फर्स्ट पेपर है उसके बाद इंग्लिश है सिक्सथ ऑफ मे को सो फिफ्थ सिक्स एंड इट कंटिन्यूज इट गोज ऑन लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर थर्सडे को आप देख सकते हो एट्थ ऑफ अप्रैल नाइन्थ ऑफ अप्रैल तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे सो यू कैन सी दिस दिस इज बेसिकली और प्रैक्टिकल्स तो प्रैक्टिकल्स यहाँ पर आप बोलोगे कि प्रैक्टिकल्स तो यहाँ पर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स का दिया है और सारा कहाँ गया तो so, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एंड योर होम साइंस एंड यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स दिया है वो सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल होगा इस दिन लेकिन उसके साथ साथ जो कि और सारा प्रैक्टिकल्स है यहाँ पर आप लास्ट लास्ट uh, वाला जो बोल्ड लेटर्स में नंबर फोर इंपॉर्टेंट नोट्स में दिया हुआ है आप रीड कर सकते हो द डेट एंड टाइम फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर योर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक्नोलॉजी तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स है ये सारा सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इट विल बी प्रोवाइडेड द डेट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड बाई द स्कूल्स कंसर्न ये आपके स्कूल्स में होगा डिफरेंट डिफरेंट डेट्स रहेगा इट्स नॉट यूनिवर्सल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सो so, यहाँ पर जो कि डेट्स है वो आपके स्कूल के तरफ से होगा और ये ये एग्जामिनेशन पहले ही कम्पलीट हो जाएगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा गैप्स अगर हम देखें तो बायो में सबसे ज्यादा डेज का गैप मिल रहा है फिजिक्स में अच्छे से प्रिपरेशन करो अभी से फोकस करो मैथ्स और फिजिक्स में बिकॉज यहाँ पर आपको जितना भी डेज का गैप मिले इट्स लेस राइट एटलीस्ट मेजर मेजर चैप्टर्स को मेजर पोर्शंस को कवर करके रखना है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है सो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन सीरियसली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड उसके साथ साथ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फॉलो होता है आईसीसी में एंड आई में उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डिस्कस करूंगी सो टिल देन स्टे ट्यून्ड अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑफ दी टेलीग्राम ग्रुप सो दिस वॉज ए वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग